श्री कृष्णा गीता उपदेश। सभी जीवों का निर्माता मैं हूँ, किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो। कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल होता है। चिंता नहीं चिंतन करो, घमन व्यक्ति को ले डूबता है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को टाल नहीं सकता। मन सफेद कपड़ा है, इसे जिस रंग में डुबाओगे वही रंग चढ़ जाएगा। उठो, श्री कृष्ण के चरणों का वंदन करो। लज्जा और अभिमान छोड़ दो, मन को निर्विकल्प कर लो और वृत्ति को सावधान करके हरि चरणों का वंदन करो। जीवन में सुख ही सुख है यदि हम आशाओं उम्मीदों का त्याग कर दें। जीवन में आधे दुख का कारण आशाएं बड़ी होना है। जो व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता उसके साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है, भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है और बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, मेरे लिए कोई बड़ा छोटा अमीर गरीब नहीं है, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं मैं सदैव उनका हूँ। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। आपको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन आप कर्म के फल के हकदार नहीं है। अपने कार्यों के परिणामों का कारण स्वयं को कभी न समझे और कभी भी अपने कर्तव्य को न करने के प्रति आसक्त न हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।